बागोर भीलवाड़ा में, बागोर की हवेली उदयपुर में। अरे गिरने दे तो क्यों लोड ले रहा है? हा? क्या फर्क पड़ता है, कौन से घाव होते हैं? पढ़ा दे आलो भाई। आगे अपने एक टॉपिक पढ़ते हैं, राजस्थान की चित्रकला पेंटिंग्स। पेंटिंग का क्वेश्चन हर साल आता ही है, एक आता कोई ना कोई क्वेश्चन वो पेंटिंग का पूछ ही लेते हैं। अच्छा पेंटिंग के क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बंदा हुआ आनंद कुमार स्वामी, क्या नाम है बंदे का? आनंद कुमार स्वामी। और इनकी एक बुक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम है बुक का? 1916 में लिखी थी। कब लिखी गई थी? 1916 में। कौन सी बुक लिखी गई? राजपूत पेंटिंग्स। राजस्थान की चित्रकला का कोई वैज्ञानिक विभाजन पहली बार आदमी करता तो उस बंदे का नाम क्या था? उसने वैज्ञानिक विभाजन कब किया था? 1916 अपनी कौन सी बुक के अंदर किया था? राजपूत पेंटिंग्स। कौन सी बुक में किया? क्या पर्चियां बेचते हो रे? पटुंदा 12 में। पटुंदा कहां पर है? 12 में। और अपने क्या बता रहे थे? पटुंदा कोटा। खड़े जा रहे कौन कौन थे वो कोटा बोल रहे थे? है कौन कौन थे जिन्होंने कहा कि नहीं सर कोटा है, आपने कह दिया तो ये कोई पर्ची आई है ना। और यहाँ पटुंदा में जो रामलीला है उसमें आधी ढाई कड़ी की रामलीला होते हैं, आधी कड़ी छोड़ देते हैं। ये किसी ने पर्ची भेजी, उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ पर जो रामलीला होती है किसी कड़ी की रामलीला होती है ढाई, आधी कड़ी लाइनें बोलते होंगे, आधी लाइन छोड़ देते होंगे, ढाई लाइन है बोलते होंगे। कहाँ पे होती है ऐसी रामलीला? पटुंदा। पटुंदा कहाँ पे? बाराम। कोटा में नहीं, नहीं। चलो आनंद कुमार स्वामी की बुक का नाम राजपूत पेंटिंग्स। कब लिखी गई? 1916। राजस्थान में सबसे अच्छी चित्रकला कोई है तो वो कौन सी है? राजस्थान की चित्रकला की मदरलैंड, राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि यदि कोई है तो वो कौन सी है आपकी? मेवाड़। अजंता चित्रकला से प्रभावित है। अपने आप पुराने चित्र कहां पर मिलते हैं? अजंता एलोरा। और उस अजंता की चित्रकला से यदि प्रभावित कोई चित्रकला तो वो कौन सी है? मेवाड़। कौन चित्रकला है? मेवाड़। दो ये किताबों के नाम याद रखने हैं अपने, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरितम। क्या क्या नाम बोलो देखे? प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, सुपार्श्वनाथ। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, सुपार्श्वनाथ चरितम क्या है? चित्रित ग्रंथ। सुपार्श्वनाथ चरितम क्या है? चित्रित ग्रंथ। मेवाड़ शैली का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। नाम बोलो देखे? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। क्या नाम है? श्रावक। एक और नाम क्या? एक चोर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए 50 रास्ते ढूंढता है। चोर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए 50, उस किताब पर जो चित्र बनाए गए उस शैली का नाम है चोर पतासिका। क्या नाम है? कोई पूछेगा चोर पतासिका शैली में चित्र कौन सी चित्रकला में बनाए गए थे? कौन से बनाए गए थे? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरितम क्या है? चित्रित ग्रंथ। क्या है? चित्रित ग्रंथ। नाम बोलो देखे? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरितम। क्या क्या नाम दोबारा बोलो? चरितम। ये क्या है? पुराने चित्रित ग्रंथ। और कौन सी शैली के चित्र बनाए गए? चोर पचासी का। किसके से बनाए गए थे? चोर पचासी। अच्छा उसके बाद मेवाड़ की चित्रकला शुरू कहाँ से होती है? चावन। किसके टाइम में शुरू होती है ये तो बताइए अपने को। एक चित्रकार था नासिरुद्दीन। कौन था? और उसने उस टाइम तो चित्र बनाया था डोला मारू। कौन सा बनाया? फिर अमर सिंह जी के टाइम में बनाया था रागमाला। अमर सिंह जी के टाइम में कौन सा बनाया था? 1605 में। कब बनाया था? दोनों सवाल पूछे मैं। मेवाड़ में रागमाला का चित्रण किसने किया? नासिरुद्दीन। कब किया? 1605। कौन से राजा के टाइम में किया? अमर। सारी बातें याद रहने से ठीक है। शुरू तो किसके टाइम में भी? महाराणा प्रताप। कहां से भी? चावन। और कौन सा चित्रकार था? नासिरुद्दीन। उस टाइम तो उसने क्या बनाया? डोला। अमर सिंह जी के टाइम में क्या बनाई? क्या बनाई थी? राम। इसका जो स्वर्ण काल था वो जगत सिंह प्रथम का टाइम है। किसका टाइम है? जगत सिंह प्रथम का। और इन्होंने चित्रकारों के लिए कमरा बनाया चितरोरी ओबरी। क्या बनवाई थी? एक नाम और है तस्वीरारोक कारखाना। क्या नाम था? क्या नाम था इसका? और अभी थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था
कि जगत सिंह के टाइम में रागमाला का चित्रण किसने किया था? साहिब दे। किसने किया था? इसका मतलब मेवाड़ में रागमाला दो लोगों ने चित्रित की। अमर सिंह के टाइम में किसने किए? नसीरुद्दीन। और जगत सिंह के टाइम में किसने किए? किसने की थी? साहिब। और एक यहाँ पर वो कलीला दमना के चित्र बनाए गए। किसके चित्र बनाए गए? संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में किस पे चित्र बनाए गए थे? पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ कि कलीला दमना क्या है, तो मेवाड़ के अंदर चित्रकला के दो पात्र, चित्रकला में दो कलीला दमना हुआ है अपने आप में। तो कलीला दमना के चित्र कौन सी चित्रकला में बनाए गए? मेवाड़। और साहिब दी ने किसका चित्रण किया? रागमाला। किसके टाइम में? जगत। किसके टाइम में? जगत। क्या बनवाई थी उसने, जिसे क्या कहते हैं हम? नसीरुद्दीन ने किसका चित्रण किया? किसके टाइम में? धौला मारू। किसके टाइम में बनाया उसने? कहां पे बनाया? चावड़। कहां पर बनाया? चावड़। नाथद्वारा आ गई। नाथद्वारा वाला मंदिर किसके टाइम में बना था? राज सिंह। राज सिंह जी भाई श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया, इसलिए नाम इसका नाथद्वारा है। पहले इसको बोलते सिहाड़। पहले क्या बोला करते थे? उदयपुर में तो प्रभाव आना ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की मूर्ति को लाए मथुरा से थे। कहां से थे? इसलिए ब्रिज। कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव है? उदयपुर शैली का और ब्रिज शैली। नाथद्वारा वाले चित्रों का हम नाम जानते हैं, पिछवाई। क्या नाम है? अब कोई पूछ ले कि केले का चित्रण कौन सी चित्रकला में? नाथद्वारा। तो केले की सांझी कहां बनती है? नाथद्वारा। कौन कौन सी चित्रकला का प्रभाव है? उदयपुर और बाकी चित्रकारों के नाम, बाकियों के नाम तो सबके भगवान जी के नाम पर है। नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग है ना, सारे ऐसे यूं राम जी के नाम मिलेंगे, बाबा रामचंद्र। तो महिला चित्रकारों का नाम याद रखना। दो कौन कौन है आपकी? एक तो है कमला और दूसरी कौन है? इलायची। तो याद रह जाएगा, इलायची नाम होता है लड़कियों का, इसलिए गीत आता है तू लौंग ते मैं लाची। याद कहना आता है? तो लौंग ते मैं लाची, तो जो लाची है वो कहाँ की है? नाथद्वारा। कहाँ की है? नाथद्वारा। और उसके साथ और कौन है? क्या नाम है? कमला। कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव? कौन से राजा के टाइम में? कौन से चित्र? कौन से संप्रदाय के? वल्लभ है, वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। फिर एक चित्रकला आपके देवगढ़ वाली, देवगढ़ वाली चित्रकला शुरू हुई द्वारिका दास चुंडावत। किसके टाइम में शुरू हुई? सबका ही प्रभाव है। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ोती को छोड़ दो, बाकी सबका प्रभाव आ गया इस पर। तो हाड़ोती को छोड़ के बाकी प्रभाव कौन सी चित्रकला में? कई साल तक लोग ये समझते रहे यार देवगढ़ वाली चित्रकला उदयपुर वाली तो है, क्या फर्क है? वही उदयपुर वाली, वही देवगढ़ वाली। फिर एक बंदे आए श्रीधर अंधारे। क्या नाम था? देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाने वाला कोई बंदा था, तो उनका नाम क्या था? खुद अंधेरा है लेकिन चित्रकला को क्या दिखाया? प्रकाश। कौन सी चित्रकला को? कौन कौन सा प्रभाव? किसके टाइम में शुरू हुई? द्वारिका दास चुंडा। मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे, उनमें सबसे लास्ट वाला ठिकाना ही देवगढ़ का। सबसे लास्ट ठिकाना ही कौन सा था? राज सिंह के बेटे थे जय सिंह। जय सिंह के टाइम में देवगढ़ ठिकाना द्वारिका दास चुंडावत को दिया गया था। द्वारिका दास चुंडावत के टाइम में क्या शुरू हो गई? चित्रकला। और कौन कौन सा प्रभाव है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ का प्रभाव। उसके बाद आ गया आपके मारवाड़। कौन सी आ गई? एक इतिहासकार हुआ है तारानाथ लामा। कौन सा इतिहासकार हुआ है वो बता यार। एक पहले टाइम में यहां पर एक चित्रकार था श्रृंगधर। कौन सा चित्रकार था? कोई पूछे श्रृंगधर नाम का चित्रकार कौन सी चित्रकला के अंदर था, तो कौन सी बेटे? देवताओं के चित्र बनाए थे, यक्ष यक्षिणी के चित्र बोलते हैं अपने, तो वो यक्ष शैली। तो मारवाड़ में यक्ष शैली को शुरू करने वाला बंदा यदि कोई था तो वो कौन था? श्रृंगधर। कौन था? श्रृंगधर। ऐसा कौन कहता है? तारानाथ लामा। कौन सी चित्रकला में था? कौन सी में? मारवाड़। फिर मारवाड़ वाली में दो तीन सीधी सीधी बात याद रखनी। ये तो प्रेम कहानियों का चित्रण किया गया। किसका चित्रण किया गया? अब कोई आपसे पूछे ढोला मारू का चित्रण कौन सी चित्रकला में हुआ? मारवाड़। प्रेम ढोला मारू क्या अपने आप में प्रेम कहानी? ढोला मारू कहे आपको, महेंद्र मुमल कहे आपको, है ना, को रूप वो रूपमती बाज बहादुर कहे आपको, इन प्रकार के सारे जो चित्र थे कौन चित्रकला में किए गए आपके? मारवाड़ का दो या क्या कह दो? जोधपुर का दो। एक राइटर वे मतीराम। कौन राइटर वे? और मतीराम की बुक है रसराज। मतीराम की बुक कौन सी है? कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2015, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2021। आरपीसी ने नए तो क्वेश्चन चेंज किया, नए ऑप्शन चेंज किए। मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण कौन से चित्रकला में किया गया? मारवाड़। जोधपुर का दो या क्या कह दो इसको? मारवाड़। तो याद रखना ना, तो वापस पूछ ले। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कि मेवाड़ में रागमाला दो लोगों ने चित्रित की, नसीरुद्दीन ने की, साहिबुद्दीन। किसने की? साहिब। यहाँ पे की वीर जी। किसने की? तो यहाँ पे रागमाला का चित्रण किसने किया?
फिर एक चित्रकार हुआ डालचंद, कौन था डालचंद ने एक चित्र बनाया जिसमें महाराजा अभय सिंह डांस देख रहे हैं, महाराजा अभय सिंह क्या देख रहे हैं, तो महाराजा अभय सिंह का डांस देखते हुए चित्र किसी ने बनाया, वो कौन था, किसका चित्र बनाया, महाराणा अभय सिंह क्या देखते हुए। फिर ये चार चित्रकारों का नाम याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ, सेफू छज्जू रामा नाथा कौन कौन है, ये तो करीना कपूर का पति सेफू कौन आ गया, सेफू तो तीन नाम और याद रखने, छज्जू रामा नाथा कौन कौन है, चारों क्या क्या नाम बोलो देखो, सेफू छज्जू रामा नाथा कौन कौन है, सेफू छज्जू रामा नाथा कमला इलायची किसमें, किसमें ना नासिरुद्दीन साहिब दीन मेवाड़ वाली कह दो या चावंड वाली कह दो, और आप किसे पूछ सज्जू रामन ना था किसमें, अच्छा फिर आगे, अरे छोरी हूँ क्या है तुम्हारे, मरोगे यहाँ संस्कृत तुम, चलिए बिकन अगुण से बिकन, अच्छा लो लो एक बात और सुनो फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा ना, अच्छा आप लोग ऐसे कई बातें को कितने सवाल करें, खूब सारे सवाल करके आने, कोई कंजूसी मत बरतना रहे, कंजूसी बरतोगे तो वैसे ही फेल हो जाओगे। भाई कई बार स्टूडेंट मुझे आ कहता है मैंने तो 60 ही किए थे, क्यों इतने ही आ रहे थे, जितने आते हैं उतने ही करता हूं मैं ये कौन सा सिद्धांत है, 100 से ऊपर सब क्यों होने चाहिए, 100 से कम किए तो वैसे ही समझ लेना फेल है, होने तो चाहिए 150। क्वेश्चन करने में क्या डरना है ऐसे, भाई आप मैं हमेशा हंसता रहता हूँ कि यदि कोई बंदा भाई वो है कि तुक्के तुक्के मारने है ना, दिलीप सर हमेशा कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत कहता है कि चार तुक्के यदि मारे ना तो दो सही दो गलत होंगे, दो सही दो या इससे भी ज्यादा हुआ, मैं कह रहा हूं इससे भी ज्यादा हुआ तो एक सही तीन गलत, एक सही और तीन गलत, चारों गलत नहीं होंगे, यदि चारों गलत हो रहे हैं ना तो आपके दिमाग के तार हिले, इसका मतलब आपको तुक्का मारना ढंग से, फिर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हैं, अरे यार ये क्वेश्चन देख के तो ये वैसे अंदाजा लगता है यार ये, अरे वैसे लगा लिया, तो यदि तीन गलत एक सही होता है ना तब तक भी आपके नंबर बराबर है, तब तक भी नंबर क्या है, तो मान लो आपने 10 तुक्के मारे और 5-5 का भी रेशियो रह गया, यार 5 सही हो गए 5 क्या हो गए गलत, 5 गलत हो गए तो 2 और ले मरेंगे वो है ना, तीन तो बचे आपके तो है और किसी के थोड़ी है, और यदि 10 छोड़ दिए तो कुछ ही नहीं है ना, तो नहीं मामा हूं तो भाई कुछ तो आए यार सीधा सीधा सा, और आप हमेशा पॉजिटिव सोचा जाए कि यार 10 में से मान लो 6 सही 4 गलत बैठ गए तो एक आधा और सवाल पड़ेगा, और ऐसे वरना मान लो आपने 60 किए और ये ना ये दिमाग से निकाल कर करो, ये तो मुझे पूरे पूरे आ रहे थे मैं अभी इनको कह रहा था, मैंने सिंगल आज दिन तक देखो 2-3 साल मैं पहले पढ़ता था, फिर 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए, मतलब 2010 के बाद से मैं लगातार ये या तो पढ़ता था या पढ़ाता था, 2010 से कितने हो गए 12 साल, इन 12 साल में मेरे साथ वाले जो रहे मेरे बाद में जो स्टूडेंट रहे मैंने उनमें एक सिंगल आदमी ऐसा देखा है जिसने जितने क्वेश्चन किए उतने सारे हो गए, विजय सर है ना, कि विजय सर हमेशा आईएएस वाला ने एग्जाम दे के आते तो उनका वैसा होता था कि मेरे 82 किए और मेरे 81 सही है, मैं हमेशा कहता था कि आज दिन तक यदि आईएएस का कभी इतिहास उठा के देखा जाए ना प्रीलिम्स का तो विजय सर एकमात्र होंगे जिन्होंने आईएएस के प्री को चैलेंज करके रख दिया था, आईएएस का प्री का एग्जाम ऐसे होता है कि आईएएस वाला पेपर बनाने वाला चैलेंज करता है कि तू 60 से ज्यादा करके दिखा तेरी औकात पता चले इस पेपर के अंदर, और आपको हवा ही नहीं लगती वास्तव में, 60-65 हो जाते हैं तो यूं राजी होता है टॉपर कि हाँ यार 60-65 हुए खूब सारे, विजय सर वैसे 79 किए थे 78 से ही, अरे ऐसे कैसे हो जाएंगे हम तो सोचते ही वैसे थे कि 90 किए 20 तो गलत मान ही लो चल ऐसे अपने यो इतना दरिया दिल दो देखिए 20 तो गए पीछे 70 बचे 70 में से 20 7 और खा जाएंगे तो पीछे बचे 63 फिर आंसर के मिलाते लास्ट में वैसे कर 56 सही है, तो दिलीप सर के पास आते सर मेरिट कितनी जाएगी, और सर कहते हैं कि 110 प्लस माइनस 5 कर लो
मान लो कभी थी तो अपने सोचते कि 56, 112 अब यदि प्लस चली गई तो हम हमेशा ये सोचते कि माइनस जाएगी। क्यों जाएगी प्लस माइनस जाएगी अपने आप, और हमेशा खुद को वैसे ही सांत्वना देते कि सर ने कहा था प्लस माइनस 5, अब प्लस नहीं है, पेपर टफ था, ये माइनस 5 जाएगी तो मेरी जाएगी 105, अपने बन रहे 112 तो अपने प्रीलिम्स पास हो जाएगा आराम से। मतलब वो कंडीशन, और ऐसी ही कंडीशन रहती है हमेशा, तो एक्यूरेसी कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि भाई वो विजय सर बड़ा अपवाद है अपने आप में उदाहरण, वरना ऐसे नहीं होते हैं। उतनी एक्यूरेसी मैंने विजय सर के लिए किसी की नहीं देखी कभी, वरना सबके यही रहता था। तो आपके यही होगा कि आपने 150 किए, फिर आप कहते ना कि ऊपर ऊपर वाले तो गलत मान ही लो, 50 तो सीधे काट दो तो पीछे बचे अपने 100 पीछे कितने बचे 100, 100 में से 50 के वो कट गए, तो 50 में से कितने चले 17, कितने चले जाएंगे 17, तो पीछे बचे अपने 83, पीछे कितने बचे 83, कितने बचे 83 क्वेश्चन तो भयंकर है, इतने सही होंगे नहीं, इतने तो हो जाए यार 12-25, 75 क्वेश्चन तो बल्ले बल्ले यार, 75 क्वेश्चन 100 नंबर दिलाते हैं, 25 क्वेश्चन कितने 100, 8 क्वेश्चन और, 83 यदि होते हैं 8 क्वेश्चन और, तो 8 के अपने 12 नंबर और कर लो उधर से, है ना, 11 नंबर के आसपास और कर लो, तो 112-13 नंबर, इतने तो करके आ जाओगे तो है, और होंगे 100 के आसपास जाओगे आप सारे के सारे जाओगे। मैं और बताऊं, यहां मैं अभी जो कह रहा था कि यहां वाली टेस्ट सीरीज अपने दो लिहाज से टफ है, एक तो इसलिए हाथ से टफ है कि वो स्टेटमेंट वाले खूब सारे दे देते हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा लपड़ा हो जाता है, एक इसलिए हाथ से भी अपनी टफ रहती है कि अपने जो ऑप्शंस होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, वहां ऑप्शन सानिया मिर्जा क्या है, एक महिला खिलाड़ी, एक घास का मैदान, पेपर चेक करना 2008 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों में शामिल नहीं होता, है ना, अपने यहां पे क्वेश्चन देंगे इनमें से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं आता, अपने यहां पे ऑप्शन होंगे सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अपने देखते हैं सारे उधर ही तो सारे आ रहे हैं यार, ये तो फिर को थोड़ा बहुत दिमाग लगा जाए सिक्किम नहीं आता तो उधर अपने ठीक है पढ़ा हुआ तो अपने सिक्किम कर देते हैं। मैं 2010 का प्रीलिम्स मेरा दिया हुआ क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों में शामिल नहीं होता, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, भाई उड़ीसा, पश्चिम बंगाल दे दे तो भी उलझे आदमी, थोड़ा बहुत बिहार, असम दे दे तो भी आदमी को लगेगा यार क्या पता आता है कि नहीं, उत्तरी पूर्वी मानेंगे नहीं मानेंगे इसको, दक्षिण मानेंगे, उत्तरी पूर्वी मानेंगे, पूर्वी माने, पर गुजरात तो साफ साफ दिखता है कि पश्चिम पड़ा है, तो ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे जिसकी हद नहीं। सोमनाथ का मंदिर कौन से भगवान का है, वो मेरा बताया हुआ, हालांकि वहां स्टूडेंट दिमाग लगा लेता है और शिव जी की जगह विष्णु जी करके आ जाता, बात दूसरी, बहुत सिंपल, तो पेपर तो आपको देख के, मैं और कहूँ आपको यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा दिक्कत आई होगी पॉलिटी में, है ना, मैं कहता हूँ आपके वहां पे सबसे ज्यादा सवाल पॉलिटी के सही होंगे, पॉलिटी इतनी सिंपल आती है कि आप अपने को यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉलिटी पढ़ाते हैं कि वहां पर क्वेश्चन देखते हैं आपको लगता है कितने सिंपल पूछ ली, वहां पर सीधे सीधे आएंगे, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं होता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, मूल अधिकार, अपने धरोहरों का संरक्षण किया जाना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए, यह क्या है, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं, क्या है, पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए, ये क्या है, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं, तो वहां पे आपने, मैं कहता हूं आपने जो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ी है ना, क्वेश्चन वही है, अपने आप पेपर टफ बनाने का कारण है, अपने आप यदि बहुत इजी पेपर बना दे, सिंपल सिंपल बना दे, सीधा सीधा नोट्स में से बना दे, फिर आपका क्या टेस्ट, तो वो चीजें याद है आपको, तो थोड़ा सा तो उस लेवल को रखा जाए ताकि कम से कम आपको मैं कहता हूं यदि इजी पेपर बना दिया जाए आप अगला पेपर देने के लिए नहीं आओ, इजी पेपर बनाया जाए आपको सारे आगे, आप में दो भावनाएं आती, या तो आती है यार कोचिंग फर्जी है जो ये क्वेश्चन बना देती है, या दूसरी भावना आती है मुझे सब कुछ आता है टेस्ट दूं क्यों, यहां पे वो नंबर आते हैं ना 57 आप पढ़ते हो
है ना, आपको लगता है नहीं यार मेरी तैयारी कम है, अगली बार और पढ़ के जाऊंगा, अगली बार और नंबर आएंगे, अगली बार और नंबर आएंगे, इस बहाने पढ़ाई होती रहती है, स्ट्रेस सीरीज के बहाने आपके धीरे 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 सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए गए। आई बात समझ में? तो स्ट्रेस सीरीज से तो वहां पे क्वेश्चन ज्यादा ही होंगे, ये मेरी गारंटी है। स्ट्रेस सीरीज मैं एक दिन पहले ही कह रहा था, जिन लड़कियों के स्ट्रेस सीरीज में 60 के आसपास नंबर आते थे वो बहुत ज्यादा है, जिन लड़कों के स्ट्रेस सीरीज के अंदर 70 से प्लस नंबर आते थे वो ज्यादा है। क्योंकि आप इसको 10-10 नंबर तो सीधे सीधे प्लस कर लो, 10 क्यों मतलब 20-20 नंबर प्लस किए जाएं। लड़कियों के यहां 60 आए हैं, वहां वाले पेपर में आएंगे 80, यहां आपके नंबर आए हैं 70, लड़कों के वहां नंबर आएंगे 90। ये हमेशा ही होता है, ये मेरा हमेशा देखा हुआ है कि यहाँ की टेस्ट सीरीज के अंदर नंबर कम आया करते थे और वहां पर जब ये पेपर किया करते थे नंबर जब। और डर नहीं लगना चाहिए, पेपर का सीधा सा सिद्धांत ही है कि वहां पे एक आधा नहीं आता हो, पड़ोसी की कॉपी इधर झुकी हुई है, यदि क्लास में मैडम नहीं है मास्टर है तो रिस्क लेना अपने इधर उधर पूछने का। और बताऊं आपके रूम में आप सारे स्प्रिंग बोर्ड वाले मिलोगे तो वो भी कोई टेंशन नहीं होगी, अब सारे के सारे आप ही होगे इधर उधर, एक दूसरे के सकले वकलों में जा नहीं जाओगे, भाई नाम नहीं जानते पर टेस्ट सीरीज में देखा हुआ तो मैंने करता ही है, तो यूं एक दूसरे तरह मुझे आया सेम का सेम सेम, वाह वाह। तो थोड़े बहुत मैडम हो तो थोड़ा ध्यान रखना, मैड में इस मामले में खोड़ली होती है, मतलब यूं वो जबरदस्ती आके यूं कोचे करेगी, इधर नहीं देखना जिंदगी बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी। अब कौन सी सुधरी हुई है जिंदगी, खोटे दिन आए जब ये पेपर दे रहे हैं, पापा के पास खूब सारे पैसे होते थे, क्यों सरकारी नौकरियों की तैयारी करनी पड़ती, जिंदगी में हम बर्बाद ही है, आपको और करनी है तो करो भले ही। आई बात समझे, मास्टर हो पहली बात तो आपको मास्टर खुद ही कह देगा आवाज नहीं करनी मैं बाहर बैठा हूं, मैथ्स नहीं आती आसपास वालों को पूछ लेना, भाई मैथ्स आ रही है क्या, जिनको आ रही हो तो अपने सीधा सीधा होता है मैथ्स में, चक्रवर्ती ब्याज वाले का उत्तर बता अगला बताई देगा अपना। आप यदि विपरीत जेंडर से क्वेश्चन पूछते हैं तो भैया और दीदी शब्दों का इस्तेमाल ना करें, संभावनाएं सीमित हो जाएगी। आप लड़कियां तो खाली पूछ लें अगले से, अगला अपना पेपर बंद कर देगा अपने दो सवाल भी हो तो क्या दिक्कत है, लड़के थोड़े से पोलाइट होके पूछ ले, जवाब मिल जाएगा आपको आराम से, तो 2-4 सवाल भी इधर उधर होते हो तो उसके अंदर अपने ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता, ये डर डर के एकदम ऐसे कुछ नहीं होता। मेरे याद है 2012 का कोई प्रीलिम्स था और बहुत इजी, 2012 नहीं हाँ 12 गए था सर, बहुत इजी सा प्रीलिम्स आ रखा था एकदम, और पेपर कर लिया, पेपर करके मैंने तो पकड़ा दिया, फिर उस रूम में स्प्रिंग बोर्ड बैठे थे मेरे सेम नाम राशि एक और बैठे हुए, वो सबसे लास्ट में, मैं सबसे लास्ट में, वो सबसे आगे, पहले हमारा ये था कि यार आगे पीछे रोल नंबर आ जाएंगे, वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उन्होंने कहा यार थोड़े बहुत बता देना, थोड़े बहुत क्यों पूरे बता देंगे क्यों लड़ लेना अपने इस बात का, तो वो एकदम पीछे बैठे हुए, तो अब पूछे कैसे, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट तो उनको धीमे धीमे आए, मेरा पहला सेकेंड अटेम्प्ट था और मेरे खूब सारी चीजें आ रही थी, तो मैंने कही आप फटाफट, और कोई आधे घंटे पहले पेपर दे दवा दिया था, मैं ले लो पेपर ले लिया उसने, मैम थी कोई मैम ने पेपर ले लिया, फिर मैं उधर पीछे बैठा बैठा मैं कहूँ अकबर वाले में 3 मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, बोले पूरा कमरा लिखे तो लिखे, मैडम ने कहा कॉपी छीन लूंगी मैं तो आपके पास है। अब ज्यादा से ज्यादा मुझे रूम से बाहर निकाला जा सकता, निकाल दो, पर रूम से बाहर से मैं जाता जाता भी मैं करके जाऊंगा बलबन वाले में 4
मेरा जो उद्देश्य है कि ये मेरा भाई 5 क्वेश्चन कर लेना चाहिए, मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा। तो तुम्हें पता नहीं है कंपटीशन होता है, ये पास हो जाएंगे तुम फेल हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नकल करवाने वाला फेल हो गया हो, ना कभी नहीं होगा कि आपने नकल करवाई इस वजह से, क्योंकि जो पूछ रहा है आपसे उसको आ रहे होते तो आपसे क्यों पूछता। सीधी सी बात है, तो इस मामले में दरिया दिल रहना, इस मामले में लोड लेने की आवश्यकता, भाग लिखवा के लाए अपने, अपने जितने सही होने होंगे उतने अपने होंगे, और होंगे जितने सही होने होंगे वो और होंगे। तो ये कोई कई 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 बहुत खोड़ ले होते इस मामले में, हाँ नहीं आते ये वो नहीं क्या आते, जितना आया जाए वो पूरा का पूरा बताया जाए एकदम। तो पड़ोस में हो कोई पूछता हो तो अपने चार बताए जाए, पर मैं तो कहता हूँ शुरुआत में तो कोई जो क्वेश्चन आ रहे हो वो पड़ोसी को खुद चला के बता दीजिए कि दो ये इसका उत्तर, ये थोड़ी देर बाद में अपने कहा जाएंगे ये मुझे नहीं आ रहे। तो मेरे 2010 का मेंस, तो पहला मेंस दे रहे, और तब आरपीसी ने ये किया था, फटाफट किया था कि 1 जुलाई को वैकेंसी, 29 सितंबर को प्री का पेपर, 45 दिन में प्री का रिजल्ट, 45 दिन बाद मेंस। तो आरपीसी ने बहुत फटाफट सल्टाई थी उस वैकेंसी। हम नए नए आए हुए पूरी पढ़ी नहीं गई, हिस्ट्री फिलोसफी ले दे के पढ़ के गए, तब हमारे 8 पेपर लगते, 2 हिस्ट्री के, 2 फिलोसफी के, 1 हिंदी का, 1 इंग्लिश का, 1 इंडियन जीके, 1 राजस्थान जीके। पहला पेपर इंडियन जी के, उसमें ड्राइवे से गए, पहला पेपर था, जीतते आते थे थोड़े बहुत लिख लिख आती है। दूसरा पेपर राजस्थान जी के, राजस्थान में मुझे एक अजीब कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था कि मुझे आती है, बोले कम पढ़ी हुई थी पर आप कॉन्फिडेंस होता है थोड़े अच्छे ही करते हो आप। तो मेरे जस्ट आगे एक काफी सीनियर लड़की बैठे हुए थे, उन्होंने एक दो बार यूं पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की तो मैंने कॉपी उनके सामने कर दी। उसमें क्वेश्चन था सवाई प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए, तुंगा के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हो, सागरमल गोपा के बारे में बताइए, कालीबाई के बारे में बताइए, अपने तो सारे आ रहे। अब वो जब पेपर खत्म हुआ था, थैंक यू, मेरे से पूछा कहाँ के तुम, चूरू का हूँ, तो वो दीदी चूरू के थे कोई। अब सीनियर उन्होंने 7 का अटेम्प्ट दे रखा, 8 का अटेम्प्ट दे रखा, 10 वाला अटेम्प्ट दे रहे थे वो कोई। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन पहले हिंदी का पेपर, हिंदी का पेपर तो मैंने आते उनको वापस कहा, मैंने कहा कुछ भी पूछ लेना हिंदी में, सब आता है मुझे हिंदी का, हिंदी वाला दिया। उन्होंने विलोम शब्द पर्यायवाची पूछे तो मैंने बता दिया उनको, मेरे एक लालच की अंग्रेजी पूछनी। मेरे मन में पाप भयंकर भरा हुआ इसमें, इसलिए मैं 2 दिन से उनसे इतना पोलाइट बात करता था कि मैंने रिश्तेदारियां जितनी निकालनी थी मैंने सारी निकाल ली, उनके गांव के आसपास कौन क्या, नमस्ते नमस्ते। अब वो बीच में 2 घंटे गैप होता, 2 घंटे बाद मैं पहले ही आगे बैठ गया, वो जैसे आए तो वो आगे वाली चेयर थी वो आगे चेयर बैठ, मैं ही पीछे बैठा हुआ। तो मैंने उनको वापस कहा कि मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो इंग्लिश में आपको जितने आए उतने मुझे बताना। तो वो काफी सिंसियर, काफी सीरियस थे एकदम। तो वो यूं पीछे घूमे, पूरे यूं सामने करके बैठे थे, यूं पीछे घूमे और घूम के कहा कि भैया 2007 में मेरे इंग्लिश में नंबर आए थे 12। दो हजार आठ में अंग्रेजी में नाम नंबर आए थे 13। ये 2010 वाला दे रही हूं, अब तू बता कितने बताऊं। और अपने कहा कि दीदी एक्टिव पैसिव में दिक्कत आए तो मैं बता दू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और मॉडल भी याद है, 14 का जुगाड़ तो मैं करवा दूंगा, रोने मत लग जाना आप कहीं। तो बताया जाना चाहिए यार क्या फर्क पड़ता है। क्या तुम पर्चियां भेज भेज के यार, दोनों में मारवाड़ में भी बूंदी के अंदर भी, जिसने सवाल भेजा उसका कर लिया कि मती राम की पुस्तक रसराज का चित्रण तो मारवाड़ में भी हुआ था बूंदी में, पर आरपीसी ने दोनों बार ही उत्तर मारवाड़ मान रखा तो अपने मारवाड़ मान रखा। ठीक है चलो, बीकानेर में 2 प्रकार की चित्रकला होती, एक तो उस्ता कला और एक मथेरणा कला, दो कौन कौन सी हो गई, ऊंट के चमड़े पे करे तो उस्ता कला, ऊंट के चमड़े पे करे तो उस दीवार पे करे तो मथेरणा। मथेरणा जैनों की एक जाति होती है जिनको महात्मा बोलते थे, महात्मा क्या बोलते थे, उन महात्मा जी को मथेरणा जैन होते हैं, उन महात्मा जी को बुला के लाते साहब ये दीवार है, गिली गिली दीवार है, इस गिली गिली दीवार पे हमारे चित्र बना दो। राजा महाराजा बुला के लाते किसके चित्र बनाओ, तो राजा महाराजाओं किसको बनाओ, तो वो वास्तव में उस गिली प्लस्तर पे चित्र बनाते, इसलिए अपने उसको बोलते हैं आला गिला। क्या बोलते थे, उस्ता कला तो ऊंट के चमड़े पे और ये आपके गिली दीवार पर, है ना। दोनों के चित्रकार पूछे मैं,
उधर वाले दे दो नाम तो पक्के याद रखने, अली रजा और रुकनुद्दीन। कौन कौन से? अली रजा और रुकनुद्दीन। मुझे एक बार तो याद है, एक बार तो क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा चित्रकार मेवाड़ का है, ऐसा कुछ था। उसने रुकनुद्दीन, साहिबद्दीन ऐसे नाम दे दिए थे। साहिबद्दीन था तो कई बार दिन दिन देख के अपने लगता है रुकनुद्दीन भी कहाँ का होगा, मेवाड़। लेकिन रुकनुद्दीन कहाँ का आपके बीकानेर। तो दो तो याद रखने, कौन कौन से? अली रजा और दो नाम और याद रखना, रामलाल और हसन। कौन कौन है? रामलाल और, बाकी सारे मुस्लिम नेम मिलेंगे लेकिन इसमें रामलाल था। कौन थे? एक अपने जानते हैं सामुद्दीन उस्ताद थे जिनको पद्मश्री मिला हुआ। सामुद्दीन उस्ताद क्या मिला हुआ? मेरा कभी और क्लास के अंदर बताया गया, ऊंट से संबंधित कोई सवाल आए सबका उत्तर बीकानेर है। ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर। तो उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर। कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? बीकानेर। आपकी उष्ट्र कला कहाँ पर होती है? बीकानेर। संख्या वंख्या पूछ ले तो वो मुझे पता नहीं कहाँ जाता है, कहाँ कम है आपके। बाकी ऊंट वाले हमेशा उत्तर क्या मिलेंगे? मछेरना कला वाले। अभी थोड़े दिन पहले, एक महीने पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, चंदूलाल मुन्नालाल मुकुंद। क्या क्या नाम बोलो देखे? चंदूलाल मुन्नालाल और मुकुंद। कौन से चित्रकला में? मछेरना। रामलाल, हसन, अली रजा, रुकनुद्दीन, ये कौन से में? दो विशेषता मुख्य तरीके से, एक तो ये तो चित्रों के साथ में नाम लिखते, तिथियां लिखते, चित्रों के साथ में नाम और। बाकी किसी भी चित्रकला में आपको चित्रों के साथ में नाम और तिथियां नहीं मिलेंगे। नाम और तिथियां यदि किसी में मिलती है तो किसमें मिलती है? चित्रकार मुस्लिम, उसके बावजूद हिंदू देवी देवताओं के चित्र। मुस्लिम चित्रकारों ने किसके चित्र बनाए थे? हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। एकदम एक पेंटिंग पे तो मुझे याद है दो एक साल पहले खूब हंगामा हुआ था। ट्विटर पर किसी ने एक पेंटिंग लगा दी थी कि बीकानेर की पेंटिंग है जिसमें भगवान कृष्ण खड़े हुए ईद का चांद दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण खड़े हैं और क्या दिखा रहे हैं? ईद का चांद दिखा रहे हैं कि पीछे मुसलमान खड़े और भगवान कृष्ण आगे खड़े हैं और वो कहते हैं ईद का चांद आ गया, अब तुम्हें अपनी ईद मला लेनी चाहिए। तो वो मतलब आप देख लो कि चित्र तो किसका? हिंदू देवी देवता का। पर चूंकि मुस्लिम चित्रकार बनाने वाला था तो उसने किसका चांद दिखा दिया? वो ईद का चांद। याद रखना कि मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवता नाम और तिथि शेखावटी में भी था। तो शेखावटी आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैंने एक साथ लिखवाए थे, गलती भी यहाँ पर भी है ना। तो नाम और तिथि बीकानेर वाले भी करते थे और कौन करते थे? आला गिला शेखावटी वाले भी करते थे और शेखावटी वाले इसको कहते थे पणो। तू आगे वापस टोकियो में पहले ही बता दू क्या बोलते थे। अच्छा, मुगलों के साथ रहते थे, कौन सी चित्रकला? मुगल। साउथ इंडिया में पोस्टिंग रही तो कौन सा प्रभाव? पंजाब के पास पड़ता है इसलिए। पर सवाल वही आएगा, मुझे पता है, या तो आएगा कि भाई उस्ताद कला कहाँ की है? बीकानेर। उस्ताद कला के चित्रकारों के नाम क्या क्या है? रामलाल, अली रजा, रुक। या कोई पूछेगा कि मछेरना कला कहाँ की है? बीकानेर। मछेरना कौन होते थे? जैन। क्या करते थे? गीले पलस्तर पर चित्रकारी। इसको बोलते क्या थे? चित्रकार कौन है? चंदूलाल, चंदूलाल मुन्नालाल और। अच्छा, इसके बाद में जो किशनगढ़, मैं कल जब देख रहा था आपके, तो आज दिन तक सर्वाधिक क्वेश्चन किसी चित्रकला के तो किशनगढ़। किसके हैं? सावन सिंह के टाइम में शुरू हुई। किसके टाइम में? भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त बन गए थे कि वृंदावन जाके मरे थे। मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन की। नहीं साहब, अब तो भगवान कृष्ण के चरणों में रहेंगे, लास्ट में वृंदावन चले गए थे, वहीं पे मरे थे जाके सावन सिंह जी। कौन? सावन सिंह। भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त बने कि अपना नाम बदल के क्या रख लिया था? और इनका एक चित्रकार था निहाल चंद। क्या नाम था? जिसने एक बहुत फेमस पेंटिंग बनाई थी। कौन सी बनाई? एरिक डिक्सन, जिसके लिए कहता है कि भारत की मोनालिसा। कौन कहता है? क्या कहता है इसे? भारत की। इसमें भी ये चित्रकारों के नाम पूछे हुए, बात नीचे वाले नाम देखना आप केवल। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लालड़ीदास। क्या क्या नाम दोबारा बोलो? सवाई राम, लालड़ीदास। क्या क्या नाम है? सवाई राम और लालड़ीदास, है ना। तो ये चित्रकार कौन? एक तो निहाल चंद का नाम याद रखना। निहाल चंद ने कौन सी बनवाई आपके? वो खूब थे, सूरध्वज था, अमीर चंद था, अमीर चंद जिसने चांदनी रात की गोष्ठी बनाई। क्या बनाई थी? कभी सवाल नहीं पूछा उन्होंने, जब भी सवाल पूछा बनी ठनी पूछा। क्या पूछा है? तो अब तो अपने लास्ट टाइम में तो उन चीजों को ज्यादा रिवाइज किया था जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। वो भी आ गया तो आपका पढ़ावा कर लोगे, पर रिविजन जब करो तब तो इनका करो। ये एक बार सवाल पूछा हुआ है कि लंबी गर्दन, लंबी आंखें, नीचे झुकी हुई बोहे, पतले ओठ, नुकीली ठोड़ी, मलमल की ओठ, वेसरी आभूष, ये कौन सी चित्रकला में? कौन से में? किशनगढ़। कौन चित्रकला में? लड़के वापस क्लास में आ जाओ। आदमी इतने में तो चला जाए कहीं का कहीं।
तो यही यही रहना है अपने ना आगे वाले चित्रकला पर। कुल मिला के नारी सौंदर्य का चित्रण ज्यादा है, कौन सौंदर्य का चित्रण ज्यादा है? तो हालांकि ये तो मेरे कभी समझ में नहीं आया कि अपने उस सौंदर्य में ऐसे कैसे दिखाते थे आंखें ये महिलाओं यहां तक गई कि कितनी सुंदर है, क्यों सुंदर ये सुंदर कैसे है भाई की आंखें यहां से यहां जा रही है, सुंदर कैसे कह सकते हो तुम? पर अपने कहते ही थे। आभूषण कौन सा दिखाया भाई? नाक की बाली है, ठीक है। और कौन कौन चित्रकार है नाम बोलो देखे? बाकी चीज थी नहीं याद रखनी है, सावन सिंह निहाल चंद पंडित, सावन सिंह निहाल चंद और नागौर वालों ने बूढ़ियों के चित्र ज्यादा बनाए भाई, वृद्धावस्था के चित्र। किसके चित्र ज्यादा बनाए? लोगों ने कहा हम दीवारों पर भित्ति चित्र बनाने, उनका किवाड़ों पर किसे बनाएंगे? इनका दीवारों पे क्यों बनाया जाए, हम किवाड़ों पे बना देंगे। पारदर्शी कपड़े, कैसे कपड़े? और बुझे हुए रंग, कैसे रंग? डल कलर। बाकी पूरे राजस्थान की चित्रकला के अंदर जहां पर आपके बहुत ज्यादा ब्राइट कलर यूज में लिए जाते थे, यहां पर कैसे कलर यूज में लिए गए? कपड़े कैसे? और किवाड़ों पर क्या बनाए गए थे? भित्ति चित्र। और किस पे बनाए गए आपके? वर्ध। अच्छा, जैसलमेर में सबसे अधिक चित्र बने तो मोमल, वहां की लोधरवा की राजकुमारी थी मोमल, तो उसके चित्र सबसे अधिक बने। और जैसलमेर की चित्रकला पर कोई प्रभाव? कौन जाता वहां प्रभाव छोड़ने? अबुल फजल कहता है कि वहां जाने के लिए आपके पास में पत्थर की टांगे होनी चाहिए। कैसी टांगे होनी चाहिए? तो किसी ने वहां पे जाने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए वहां की चित्रकला पर कोई भी प्रभाव? तो शुद्ध देसी चित्रकला यदि कहीं की है तो वो कौन सी है? अच्छा, अजमेर की चित्रकला ऐसी है जिसमें हिंदुओं का प्रभाव भी है, मुसलमानों का प्रभाव भी है। पृथ्वीराज चौहान तक हिंदुओं का राज था, जब तक अंग्रेज नहीं आ गए थे मुसलमानों का राज था, अंग्रेज आ गए तो बाद में ईसाई आ गए, तो कोई चित्रकला इसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई तीनों प्रभाव दिखाई देते हैं, कौन सी? एक चित्रकार हुआ था चांद, कौन हुआ था? और उसने एक चित्र बनाया था आपके पाबू जी। किसका चित्र? तो पाबू जी का चित्र किसने बनाया? चांद कौन सी चित्रकला में था? दो महिला चित्रकार कमला और लाइची तो थी नाथ द्वारा, दो महिला चित्रकार साहिबा और उसना, साहिबा और ये किसमें थी? क्या क्या नाम है दोनों को बताओ? तो सिंपल देगा, साहिब और उसना नामक महिला चित्रकार कौन सी चित्रकला में थी? तो कौन सी में? अजमेर के अंदर। चांद ने कौन सा चित्र बनाया? कौन सा बनाया? एक एक चित्रकला और बताऊ मैं ना, इसके अंदर एक नाम याद रखना, कोई पूछे घनेराव चित्रकला किसकी है तो मारवाड़, घनेराव चित्रकला किसकी है? पाली में जगह पड़ती है घनेराव, तो हम मारवाड़ में बेसिकली अपने पढ़ते हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और जैसलमेर। घनेराव नाम नाम याद कर लेना, घनेराव चित्रकला किसकी है तो मारवाड़। फिर आगे आपके डुंडाड़, डुंडाड़ में सबसे कौन सी आ गया? जयपुर का दोया आमिर, राजा मानसिंह थे, राजा मानसिंह के टाइम में मुगलों के किताब के सारे चित्र अपने यहां पर बनाए गए थे, रजमनामा। कौन से चित्रकला? महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा। क्या है महाभारत का? 169 चित्र है, इसमें कितने चित्र है? वो आमेर में बनाए गए थे। कहां बनाए गए थे? सवाई जयसिंह ने बनाया था सूरत खाना, मैं सुबह ही बता रहा था आज सुबह कि पोथी खाना बनवाया राम सिंह, गुणिजन खाना बनवाया प्रताप सिंह, सूरत सिंह सूरत खाना बनवाया सवाई। जयपुर चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता यह आदम, और ये बंदा था साहिब राम। ये बंदा कौन था? तो साहिब राम ने कौन सा चित्रण शुरू किया था? ईश्वरी सिंह के टाइम। किसके टाइम में? ईश्वरी सिंह के टाइम साहिब राम ने। किसने शुरू किया था? फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, गोपाल उदय और हुक्मा कौन सी चित्रकला में थे? क्या क्या नाम है बताओ देखे? गोपाल उदय और हुक्मा, क्या क्या नाम है? लाडलीदास, सवाई राम, सीताराम, बदन सिंह, ये तो किसमें थे आपके? किशनगढ़। किसमें थे? किशनगढ़। सेफू, छज्जू, रामा, नाथा, जोधपुर। किसमें थे? अच्छा, तंदुलाल, मुन्नालाल, मुकुंद, ये किसमें थे? मथेर। रामलाल, हसन, अली रजा, रुकनुद्दीन, उस्ताकला। किसमें थे? उस्ताकला। साहिबुद्दीन और नासिरुद्दीन दोनों ने किसका चित्रण किया? राग। मारवाड़ में रागमला चित्रण किसने किया? वीर जी। मती राम की पुस्तक रसराज का चित्रण कौन चित्रकला में? मारवाड़। कौन सी में? मारवाड़। प्रेम कहानियों का चित्रण किस में? मारवाड़। नाम व तिथि कौन सी चित्रकला में? बीकानेर। याद रहेगा। अच्छा, हाथियों के चित्र सबसे अधिक बने तो जयपुर, गार्डन्स के चित्र बने तो जयपुर, भित्ति चित्रण हुआ तो भी जयपुर। यह आला किला सबसे पहले जयपुर में शुरू हुई थी, आला किला भले ही बाद में आपके बीकानेर वाले करने लगे थे, बीकानेर सखावटी दोनों में करते थे, सखावटी दाता ही जयपुर के अंडर में था, तो जयपुर में आला किला शुरू हुई थी। कारण ये मुगल प्रभाव है,
कहते कोई पूछेगा कि मुगल प्रभाव की वजह से जयपुर में कौन सी चित्रकला शुरू हुई थी, तो कौन सी हुई थी? सबसे पहले मुगल करने लगे थे, मुगलों के प्रभाव की वजह से पहले तो आई थी जयपुर में, बाद में कहां पर गई थी? बीकानेर पर। बीकानेर वाली फेमस ज्यादा हो गई मथेरणों की वजह से, वहां पर, यहां पर इतनी फेमस ये नहीं हो पाई। दो चीजें आदमगढ़ चित्रण हमेशा याद रखना, एक आला किला जयपुर की थी, किसके प्रभाव की वजह से? मुगलों के प्रभाव की वजह से। सूरत खाना ही पूछा हुआ या आदमगढ़ चित्रण पूछेंगे, दो चीजें याद रखना हमेशा। फिर आ गया आपके अलवर, कौन सा आ गया? पिछले दो तीन बार से तो आरपीसी इस पर मेहरबान है बहुत भयंकर तरीके से। विनय सिंह के टाइम में दो चित्रकार थे, बलदेव और गुलाम अली। कौन कौन थे? एक किताब का चित्रण किया गुलिस्ता, कौन सी किताब थे? विनय सिंह खुद बलदेव से चित्र बनाना सीखता था। विनय सिंह खुद किसे चित्र बनाना सीखता था? किसे बनाना सीखता था? बलदेव। मुगलों की चित्रकला में जो स्थान अकबर का है, अलवर की चित्रकला में वो स्थान किसका है? किसका है? विनय सिंह का है। शिवदान सिंह एक हुए यहाँ पर, कौन हुए? शिवदान। उनके टाइम में काम शास्त्र का चित्रण किया गया, किसका चित्रण किया गया? और इसी टाइम में एक चित्र बनाया गया था, इसमें एक बंदा सहनाई बजा रहा है। क्या बजा रहा है? सहनाई को बोलते हैं नफीरी। क्या बोलते हैं? तो नफीरी वादन का चित्र, किसका चित्र? तो सिंपल पूछे, नफीरी वादन का चित्र कौन से चित्रकला में था? तो कौन से में था? अलवर। कौन से राजा के टाइम में? मंगल सिंह हाथी पे बैठ के मेरे को ले जाता था। इसके दो चित्रकार है, मूलचंद और उदयराम। क्या क्या नाम है? हाथी दांत पे चित्र बनाते, किस पे चित्र बनाते? बहुत फेमस क्वेश्चन इसका कि वैश्याओं का चित्रण सबसे अधिक कहां पर हुआ? आप इस बुक का नाम देखिए, शिवदान सिंह के टाइम में काम शास्त्र का चित्रण किया गया। किसका चित्रण किया गया? ऑब्वियस सी बात है, जब बुक काम शास्त्र का चित्रण होगा तो किसके चित्र ज्यादा बनेंगे? लघु चित्र ज्यादा बनाएंगे। मिनिएचर पेंटिंग, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो या मिनिएचर पेंटिंग ज्यादा कहीं पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? योगा करते हुए चित्र। क्या करते हुए? तो तीन बातें, वैश्याओं का चित्रण, लघु चित्रण, योगासन चित्रण। कौन कौन सी तीन बातें? वैश्याओं का, कौन कौन से बताओ देखे? वैश्याओं का चित्रण, लघु चित्रण, ये तीनों कहां पर किए गए? अलवर के अंदर। अच्छा, ये आपके हाथी दांत में चित्रकारी कौन कौन करते? गुलिस्तान का चित्रण किस किसने किया? तो स्थान मुगल चित्रकला में अकबर का, वो अलवर चित्रकला में विनय, विनय सिंह खुद किससे चित्र बनाना सीखता था? किससे सीखता था? बाद में आप आ गई उनियारा, उनियारा में ये चित्रकला शुरू हुई थी सरदार सिंह के टाइम, किसके टाइम में? और इस पे जयपुर और बूंदी का प्रभाव है, किस किस का प्रभाव है? अच्छा, उदयपुर और ब्रज का प्रभाव किस पे? नाथ द्वारा। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ तीनों प्रभाव किस पे? देवगढ़। किस पे? देवगढ़। और जयपुर और बूंदी दोनों का किस पे? एक चित्रकार हुआ मीर बख्श, किस कौन हुआ? राम लक्ष्मण सीता हनुमान के चित्र बनाए, किसके चित्र बनाए? किसके चित्र बनाए थे? राम लक्ष्मण सीता और हनुमान, किसने बनाए थे? मीर बख्श। फिर आगे आपकी शेखावाटी, शेखावाटी फेमस है हवेलियों के लिए, किसके लिए फेमस है? हवेलियां फेमस है भित्ति चित्रों के लिए। कोई पूछे कौन सा किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बूंदी। कोई पूछे कौन सी हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी? एक फ्रांस का एक बंदा आया था नदीन ला प्रिंस, कौन आया था? और अपने एक जगह पड़ती है फतेहपुर, सीकर में, कौन सी जगह पड़ती है? और फतेहपुर की हवेलियों के अंदर जो भित्ति चित्र बने थे उनका प्रोटेक्शन करने वाला यदि कोई बंदा था तो वो बंदा कौन था? नदीन ला प्रिंस। उसने कहा यार कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग है तुम्हारी, तुमने खराब करके रख रखी है। उस बंदे का नाम क्या था? नदीन ला प्रिंस। कौन से हवेलियों के, हवेलियां किस लिए फेमस है? कहां की? मीर बख्श ने किस किस के चित्र बनाए? राम लक्ष्मण सीता और हनुमान। कौन सी चित्र कला का था? फिर आगे आपके हड़ौती, हड़ौती में दो, एक तो बूंदी और दूसरी कौन सी? बूंदी वाली चित्रकला में हमेशा आज दिन तक उन्होंने एक ही सवाल पूछा, प्रकृति चित्रण कहां किया जाता था? बूंदी। कोटा का एक ही क्वेश्चन है, शिकार के दृश्य कहां थे? कोटा। तो प्रकृति चित्रण ज्यादा कहां पे? बूंदी। शिकार के दृश्य ज्यादा कहां पे? मैं अभी बता रहा था कि बूंदी का किला जो है वो अपने चित्रों के लिए फेमस है, भित्ति चित्रों के लिए। शत्रुशाल ने बना दिया रंगमहल, क्या बना दिया? उमेद सिंह ने बना दी चित्रशाला, उमेद सिंह ने क्या बना दी? और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको जो पर्यटन स्थल बता रहा था, मैंने चित्र महल और बताया था, मैंने कहा चित्र महल भी यदि कहीं पर बना तो कहां पर बनाया? बूंदी। तो शत्रुशाल ने क्या बनाया, उमेद सिंह ने क्या बनाई? फेमस किसके लिए? कोटा वल्लभ संप्रदाय का चित्र ज्यादा बने, कौन से संप्रदाय के? वल्लभ संप्रदाय के चित्र जब कभी जाए कहीं ज्यादा बनेंगे, वहां महिलाओं के चित्र ज्यादा होंगे। किशनगढ़ वाली चित्रकला देख लो, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था इसलिए महिलाओं के चित्र खूब सारे, और कोटा वाली चित्रकला ज्यादा तो यहाँ पर भी महिलाओं के चित्र खूब सारे थे। शिकार के दृश्य, किसके दृश्य बनाए गए? यहाँ एक दालू ने रागमाला का चित्रण किया, दालू ने किसका चित्रण किया?
तो मेवाड़ में रागमाला किस किसने रची? साहिब दीन और नसीरुद्दीन। मारवाड़ में किसने रची? वीर जी। कोटा में किसने रची? किसने? आदमगढ़ चित्रण ज्यादा कहां पर हुआ? कहां पे? जयपुर। वेश्याओं का चित्रण? शिकार के दृश्य? प्रकृति चित्रण? प्रेम कहानियों का चित्रण? मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू देवताओं के चित्रण? किसमें? केले के पेड़ों का चित्रण? किसमें? और भित्ति चित्रण कौन से किले में ज्यादा? कौन सी हवेलियों में ज्यादा? नदीनला प्रिंस ने कौन सी हवेलियों में? फतेहपुर। कौन सी में? फतेहपुर। अच्छा, मीर बख्श ने किस किस के चित्र बनाए? राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान। कौन कौन से दो बंदे हाथी दांत पर चित्रकारी करते थे? मूलचंद और उदयराम। क्या क्या नाम था? मूलचंद। विनय सिंह किससे चित्र बनाना सीखता था? बलदेव और आपके गुलाम अली ने मिलकर कौन सी किताब का चित्रण किया? किसे? और विनय सिंह की तुलना चित्रकला में कौन से मुगल बादशाह से की जाती है? अकबर। किसे की जाती है? आनंद कुमार स्वामी की बुक का नाम क्या? राजपूत पेंटिंग्स। कब लिखी गई? 1916। चोर 85 का शैली कौन सी चित्रकला में थी? दो चित्रित ग्रंथों के नाम बोलो। देखे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी सुपार्श्वनाथ चरितम। कौन कौन सी है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरितम। अच्छा, ये हो गए आपके चित्रकला। और तो चित्रकला में क्या पढ़ा हमने? अच्छा, महिलाओं का सबसे अधिक चित्रण कौन चित्रकला में मिलता है? किशनगढ़। किशनगढ़ और कोटा में अपने खूब सारा मिलता है। अच्छा, लो ये कि मैं आपको लोक देवता देवियां पढ़ूं। खूब सारे होते हैं ऐसे, आपके याद होंगे ना।